दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेरी सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो पूनम जी का है। उनका सवाल है, मैंने पॉट में मिर्च लगाया था लेकिन बड़ा होने के बाद पत्ते बढ़ नहीं रहे और पत्ते मुरझा रहे हैं। देखिए, मुरझा रहे हैं आई थिंक वो टेढ़े मेढ़े हो रहे होंगे, यानी कि मुड़ गए होंगे। तो उसके अंदर जो चरोड़ मरोड़ का जो रोग है आई थिंक वो लग गया है, और आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की भी कमी हो सकती है अगर आप ऊपर के प्लांट जाने के बाद कमजोर हो गए हैं। तो आप उस प्लांट पे पहले आप नीम ऑयल स्प्रे करके देखिए, अगर उससे आपका प्लांट ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना आपको मेलाथियन का जो स्प्रे है वो करना होगा। और न्यूट्रिशन के लिए आप उसमें ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं या फिर कोई फर्टिलाइजर। विष्णु शर्मा जी का सवाल है, मेरे कस्टर्ड एप्पल के प्लांट पर फ्रूट पे चींटियां लग गई है, क्या मैं उसमें जो मैंने चींटियों के लिए दवाई डाली थी पूछ रहे हैं कि वो मैं डाल सकता हूँ। देखिए, आप अपने फ्रूट के ऊपर अगर वो दवा ना डालें तो अच्छा होगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, आपके जो ट्री है उसके नीचे बेस में जो रूट्स है वहाँ ऊपर जाने का जो रास्ता है उन चींटियों का, वहाँ पे उसको डाल दीजिए पाउडर को, जो इंसेक्टसाइड पाउडर मैंने बताया था वो डाल दीजिए। और जो ट्रंक है उस ट्रंक पे आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, जो ट्राइसेल है उसको ट्रंक पे स्प्रे कर दे ताकि वो ऊपर ना जा सके, और उसको वहां से भगाने के लिए आप उस पे नीम ऑयल स्प्रे करें तो ठीक होगा, या नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका काढ़ा बना ले और उसमें उसको पानी में मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तन्या जी का सवाल है, मेरा पीपल का ट्री है जो ज्यादा कंपोस्ट देने की वजह से शायद मर रहा है, सो मैं कैसे बचाऊं? देखिए, आपका प्लांट मर रहा है ये आपको कैसे पता चला, यानी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी है? अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट मरने लग रहा है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट आप इवनिंग के टाइम पे कीजिए। रिपोर्ट करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सॉइल है आप उसका कम से कम सॉइल उसके अंदर रखें, बाकी एक्स्ट्रा सॉइल उसको हटाकर नया सॉइल उसमें ऐड करें। काले मुदीन का सवाल है, सर मेरे अमरूद के प्लांट पर बारीक कीड़े लग गए हैं, क्या करें? देखिए, जो आपके अमरूद पे कीड़े लगे हैं शायद आप जो अपने फल के अंदर कीड़े लग रहे होंगे वो बता रहे हैं, तो वो फल मक्खी होती है, एक फल मक्खी होती है, एक कीट जो कि फ्रूट पे बैठता है और उसके अंदर अपने अंडे दे देता है। उसके अंडे से जब उसका जो लार्वा जो बाहर आता है वो क्या है, फ्रूट को अंदर से खाने लगता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो सूखने लगता है और फ्रूट खराब हो जाता है। उसके लिए आप अपने प्लांट में मेलाथियन का स्प्रे कर सकते हैं, और जो फ्रूट आपके इंसेक्ट से खराब हो गए हैं उनको आप बाहर फेंक दीजिए तोड़कर, या मिट्टी में दबा दीजिए। सोनू सिंह का सवाल है, इसे कितने बड़े गमले में लगाना है और सॉइल के साथ क्या क्या मिक्स करें? इन्होंने जो हार सिंगार का जो प्लांट है उसके बारे में पूछा है। देखिए, हार सिंगार का जो प्लांट है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि एक बड़ा ट्री बनता है, तो उसके लिए आप बड़ा पॉट जो आपके पास है वो लें, 20x22 इंच का पॉट अगर आपके पास है तो वो ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके लिए जो सॉइल है वो आप ऐसा जो गार्डन सॉइल है उसके अंदर पत्तियों की खाद वगैरह मिला लें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सोइल है वो वेल ड्रेन हो। नीरा जी पूछ रहे हैं कि वायर क्यों लगाते हैं, उन्होंने बोनसाई का जो वीडियो है वो देखा है। तो नीरा जी, जो वायर है, जब नेचर में आपने जो बड़े ट्री देखे होंगे उस ट्री की शेप हमें जब गमले में लानी हो तो उसके लिए उस प्लांट को शेप देने के लिए हम उनकी जो ब्रांचें होती हैं उन पर वायर इस तरह से वायरिंग करके और फिर उसको हाथ से बैंड करके सेम जो नेचुरल जो ट्री होती है वैसी शेप उसको गमले में दे देते हैं, जिसको हम बोनसाई बोलते हैं। ज्योति जी का सवाल है, भैया मैंने कंपोस्ट एंड कोकोपीट मिलाकर सीड्स ग्रो किए हैं, टिप्स दीजिए कि प्लांट ग्रो हो जाए। देखिए, आप उन सीड्स को सनलाइट में रख दीजिए, यानी कि धूप के अंदर रखिए तो वो जल्दी जर्मिनेट होंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए उसके अंदर नमी बना के रखें सॉइल के अंदर। गार्डनिंग माई फूड ने पूछा है, सर मैंने जब भी जिंजर लगाया तो वो फंगस का शिकार हो जाती है, जब आप अदरक लगाएं तो अदरक को जब आप काट कर लगाते होंगे तो काट कर उसको डायरेक्ट ना लगाएं, काटने के बाद उसको थोड़ी देर शेड में सूखने दें, धूप के बजाय आप उसको शेड में सूखने दें, कटा हुआ हिस्सा जब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसको लगाएं। जब हम अदरक को काट कर सीधा लगा देते हैं तो उस जगह पे फंगस लग जाता है जो कट हम करते हैं, इसलिए उसको पहले थोड़ा सा ड्राई होने दें और उसके बाद आप उसको लगाएं। समर्थ जी का सवाल है, सर बोनसाई के ट्रंक को जल्दी मोटा कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब आप बोनसाई के लिए ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले आप या तो उसको
वाइडली ग्रो होने दीजिए, यानी कि उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, सिर्फ उसको आप फर्टिलाइजर देते जाइए और जैसे भी वो ग्रो करता है, जैसे भी उसकी ब्रांच ग्रो होती है उसको होने दीजिए। उसकी जब थिकनेस अच्छे से हो जाएगी फिर आप उस पर काम कीजिए। या एक मेथड और है, आप उसको ग्राउंड में लगाइए और ग्राउंड में लगाने के बाद जो मेन ट्रंक होती है उस पर फोकस रखिए, एक्स्ट्रा ब्रांच से काट दीजिए, सिर्फ उसी को ग्रो होने दीजिए। वो जो ब्रांच जो मेन ट्रंक है जितनी लंबी ऊपर जाएगी नीचे से उसकी जो थिकनेस है वो उतनी अच्छी बनेगी। इस टॉपिक पे मेरा एक वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, शायद दो वीडियो है इस तरह मेरे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। स्वामी पुष्पेंद्र जी का सवाल है, होशियारपुर पंजाब से है। विजय सैन जी राम राम, मेरे पास बेल के दो अच्छे हाइब्रिड पेड़ हैं, फल अच्छे आते हैं पर उनके फल ठीक से काफी देर बाद पकते हैं, मई महीना पककर जुलाई अगस्त तक पेड़ों पे लटके रहते हैं, कौन सी खाद या दवा का प्रयोग करें? देखिए, आप अपने प्लांट में गोबर की खाद और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम ये तीनों चीज भी साथ के साथ उसमें ऐड करते रहे सीजन से पहले, जब फ्लोरिंग हो उससे उसके पहले। मोहित शर्मा का सवाल है, सर मैंने सीडलिंग की है और उसमें फंगस लग गया, कोई उपाय बताइए, क्या फंगस साइड डाल दूं यूज करूं? हाँ जी, अगर आपकी सीडलिंग में फंगस लग जाती है तो आप जब सोइल बनाएं उसके अंदर जो फंगसाइड पाउडर आता है वो आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर, जिससे कि उसमें फंगस ना लगे, और उसको आप धूप में रखिए, सीडलिंग लगाने के बाद उसको धूप में रखिए तो आपकी सीडलिंग जो है वो फंगस से बच जाएगी। और फिर भी अगर आपकी सीडलिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप जो सीडलिंग है वो सिर्फ बजरी के अंदर लगाइए तो फंगस आपकी नहीं लगेगी। हरविंदर कौर जी का सवाल है, सर मैंने गेंदे के प्लांट को बनाना खाद डाली थी वो जल गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो बनाना खाद है आप छिलके ड्राई करके अगर उससे डाला है तो आई थिंक उससे नहीं जलना चाहिए। आपने कितनी मात्रा में डाला था ये आपने नहीं बताया। कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी खाद है जब हम ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो उससे प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है, तो आप अगर सही मात्रा में आपने फर्टिलाइजर दिया है तो उसकी वजह से वो नहीं मरा होगा, उसमें कोई और कारण होगा। पूजा अग्रवाल का सवाल है, सर मेरे गुआवा के पौधे के फ्रूट ड्राई होकर गिर रहे हैं और पकते नहीं। देखिए, आपके जो गुआवा का पेड़ है उस पे हो सकता है जो फल मक्खी है वो लग गई हो। फल मक्खी एक्चुअली में क्या करती है, मैंने अभी बताया था आपको कि वो फल के अंदर अपने अंडे देती है, जिसके अंदर से उसके जो लार्वा बाहर आते हैं वो फ्रूट को अंदर से खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो सूख जाता है और सूख के नीचे गिर जाता है। आप अगर गौर से देखेंगे जो सूखा हुआ आपका फ्रूट है उसमें आपको एक छोटा सा होल दिखेगा, लार्वा जब खा के बड़ा हो जाता है तो उस होल से बाहर आके उड़ जाता है, तो आप उसके अंदर जो मेलिथियन है वो यूज कर सकते हैं, मेलिथियन का स्प्रे कर दें। सपना जैन जी का सवाल है, टमाटो प्लांट के येलो फ्लावर गिर जाने के बाद भी फ्रूट आता है क्या? देखिए, अगर फ्लावर आपका सिर्फ आगे की जो लीव्स है फ्लावर की वो गिरती है तो उसका एक कारण ये भी होता है, जब फ्रूट बनता है तो जब फ्रूट बनता है तो आगे के जो पीले जो पत्तियां होती है उसकी वो गिर जाती है, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन जब आपका फूल नीचे से यानी कि जो स्टिक से जिससे टच होता है अगर वहीं से गिर रहा है तो फ्रूट नहीं लगेगा। शालू जी का सवाल है, विजय जी बोरोन और एप्सम सॉल्ट एक ही काम करते हैं क्या? नहीं जी, बोरोन अलग है और एप्सम सॉल्ट अलग है। बोरोन जो है वो फ्लोरिंग जो गिरती है हमारी, यानी कि जब हमारे फूल सूख कर गिरने लगते हैं तो उसमें बोरोन जो न्यूट्रिएंट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसकी कमी हो सकती है, और जो एप्सम सॉल्ट है इसके अलग कारण है। ये प्लांट में जैसे जो पीलापन है धब्बे पीले पीले धब्बे से बन जाते हैं हमारे लीव्स के अंदर, उसमें काम करता है और प्लांट को बुशी बनाता है। एप्सम सॉल्ट के और भी काफी फायदे हैं, मैं एप्सम सॉल्ट पे एक वीडियो बना दूंगा। सचिन जी, आपका व्हाट्सअप नंबर हो तो कृपा दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप यूज नहीं कर पाता, अगर आपको मुझे कोई मैसेज वगैरह देना है तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे दे सकते हैं, मेरे फेसबुक आईडी पे। और सचिन जी का सवाल है कि मौसम्बी का पौधा बीज से लगाने के पे कितने साल में फल देगा? देखिए, बीज से कोई भी आप जब फ्रूट लगाते हैं तो जब उसकी एज होगी तभी वो जो फ्रूट है देगा, आई थिंक 4 से 5 साल भी लग सकती है। आप उसको टाइम पे फर्टिलाइजर वगैरह देते रहिए तो जैसे ही उसका टाइम आएगा उसकी एज होगी वो फ्रूट दे देगा। परवली जी पूछते हैं, रूट हार्मोन किधर मिलेगा? देखिए, रूट हार्मोन आप जो नर्सरी वगैरह है वहाँ पे पता कर सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट हार्मोन हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। आशा उपाध्याय का सवाल है, सर मैंने जो सोइल पॉट में भरी है उसमें क्रैक्स हो जाते हैं और 4 घंटे के बाद ही सनशाइन में पौधे मुरझा जाते हैं, पॉट 10 इंच का क्ले पॉट है। देखिए, आपका जो सोइल है उसके अंदर आपने जो चिकनी मिट्टी होती है काली वो यूज की होगी, आप ऐसी मिट्टी अगर यूज करेंगे तो जो क्रैक्स है वो बनेंगे, क्योंकि ये मिट्टी सूखने के बाद हार्ड हो जाती है और कुछ टाइम बाद जब हम वाटरिंग करते हैं तो पानी को ये बहुत ही स्लो जो है वो सोखती है, तो पानी या तो ऊपर रह जाएगा या जो किनारियां होती है साइड की
पॉट के साइड किनारे से वो नीचे चल जाएगा और इससे क्या होगा, जो प्लांट है उसकी रूट्स तक जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता, पानी या तो साइड से निकल जाता है या जो क्रैक्स बने होते हैं उनसे सीधा नीचे चला जाएगा, वो रुक नहीं पाता। तो आप पॉट में कभी भी जो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो होती है वो यूज ना करें। इसके लिए आप जो नॉर्मल मिट्टी है, गार्डन सोइल है, उसके अंदर कंपोस्ट और पत्तियों की खाद मिलाकर यूज कर सकते हैं, या कोकोपीट है तो वो यूज कर सकते हैं। जानकी कालोलिया का सवाल है, कोई भी फ्लोरिंग सीड्स शो करने के बाद पॉट कहाँ रखना चाहिए, धूप में या शेड में, कितने दिन और कैसे? देखिए, जब मैं जब कोई भी सीडलिंग लगाता हूँ तो उसको धूप में रखता हूँ, क्योंकि धूप में ग्रो करने से क्या है, एक तो जर्मिनेशन जो है वो जल्दी होती है, उसके बाद जर्मिनेशन के बाद अगर आपको लगता है तेज हीट है तो आप उसको शेमी शेड में रख सकते हैं। हम इंडोर भी सीडलिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं, मैं सर्दियों में इंडोर ही ग्रो करता हूँ क्योंकि बाहर यहाँ पे काफ़ी पाला पड़ता है, तो जब तेज सर्दियाँ होती है तब मैं इंडोर ग्रो करता हूँ। और उसके लिए एक अलग मेथड होता है, उसके लिए आपको जो सीडलिंग है उसको कवर करना होता है ताकि जो अंदर का जो हीट है वो बनी रहे एक समान, और जो जर्मिनेशन है वो टाइम पे हो जाए। तो उसका वीडियो मैं जब सर्दियों में सीडलिंग करूँगा तो आपको दिखा दूंगा। रेणुका जी ने सवाल किया है कि ओवर वाटरिंग के कारण प्लांट के लीफ जो है वो सूखने लगे हैं और जो प्लांट है अभी वो ग्रीन है, तो क्या उसकी जो मिट्टी है वो चारों तरफ की हम चेंज कर दें, यानी कि पुरानी मिट्टी जो पॉट है बिना रिपोर्ट की उसकी साइडों की मिट्टी निकाल कर उसमें सूखी मिट्टी डाल दें, तो क्या जो प्लांट है वो रिकवर हो जाएगा? देखिए, ओवर वाटरिंग से प्लांट को क्या प्रॉब्लम हो रही है उस वो चीज़ देखी जाएगी पहले, यानी कि जो रूट्स है, अगर रूट्स सड़ने लग गई है उसकी तो सिर्फ साइड की मिट्टी से जो प्लांट है वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि आप साइड की मिट्टी चेंज कर देंगे लेकिन जो उसकी जो रूट्स है अगर उसमें वो सड़नी स्टार्ट हो गई होगी तो आपको जो कंप्लीट जो रिपोर्टिंग है प्लांट की वो करनी होगी, लेकिन अभी उसके जो मुरझाने का जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हुई है तो हो सकता है साइड की मिट्टी चेंज करने से प्लांट है जो आपका बच जाए, या फिर आप एक बार पहले साइड की मिट्टी चेंज कर लें उसके बाद एक दिन तक वेट करें, अगर प्लांट में आपको कुछ इम्प्रूव दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको पूरा रिपोर्ट कर दें। और ये सारा काम जो भी आप करें इवनिंग के टाइम पे करें। वेद प्रकाश जी का सवाल है, सर मेरे नींबू पर बहुत सारे फूल आते हैं, फ्रूट भी बनते हैं परंतु झड़ जाते हैं, क्या करें? वेद प्रकाश जी, देखिए मैंने काफी वीडियो में बताया है, नींबू के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली जो बोरोन की कमी होती है उसके कारण होता है। तो सबसे पहले आप जब फ्लोवरिंग स्टार्ट हो उसके अंदर बोरोन डालिए, और उसके बाद जब फ्लोवरिंग आ जाए प्लांट पे तब जो वाटरिंग है वो कम कीजिए। एक नींबू के प्लांट के अंदर क्या होता है, जो उसकी जो रूट्स है फाइबर रूट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो साल में एक बार हमें उसकी कुछ रूट्स, कंप्लीट रूट्स नहीं, उसकी कुछ रूट्स जिसको यहाँ पे जाल निकालना बोलते हैं, जाला निकालना, तो उसको हम निकाल देते हैं, उससे जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्थी रहता है और जो फ्लोवरिंग है वो कम गिरती है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। राहुल गौतम का सवाल है, गुलाब पौधों की पत्तियाँ सूख रही है, क्या करें? देखिए, गुलाब के पौधों की पत्तियाँ सूख रही है इसका काफ़ी कारण हो सकता है, एक तो ये फंगस से भी ऐसा हो सकता है, जब फंगस लगती है तब भी प्लांट पूरा जो है उसका जो स्टेम है वो ब्लैक होने लगता है और पत्तियाँ सूखने लगती है, या आपके प्लांट में कोई इंसेक्ट है जैसे थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं वो क्या है लीव्स को इस तरह से वो चूसने लगते हैं कि वो जहाँ जहाँ उसको चूसेंगे वो वहाँ से सूखती आ जाएगी और इस तरह से पूरी लीव्स जो है सूखने लग जाएगी। तो आप उस प्लांट की या तो मुझे फोटो दिखा दीजिए या उसमें जो फंगसाइड है वो स्प्रे करके देखिए। हरिओम सैनी का सवाल है, सर मैंने मैंगो के 5, बोगनविला के 4, जैस्मिन के 2, तुलसी के 3, मोगरा के 7 प्लांट पॉलीबैग में लगाए थे, 3 मंथ हो गए हैं, सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्या मैं उनकी रिपोर्टिंग कर दूं? देखिए, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो आपके जो प्लांट है वो पॉलीबैग में है, तो क्योंकि पॉलीबैग से आपको क्या करना होगा, उसकी जो रूट्स है उसको बिल्कुल डैमेज मत कीजिएगा, और ये जो रिपोर्टिंग आप इवनिंग के टाइम पे कीजिए, पहले अपना सोइल जो है वो तैयार कर लीजिए और जो पॉट है वो तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप ये कीजिए जो पॉट है उसमें अपना आधा सोइल भर लीजिए, उसके बाद जो पॉलीबैग है उस पॉलीबैग से जो प्लांट है उसको निकाल लीजिए, और अगर आप जो आपका प्लांट है वो इजीली ना निकले तो आप उसको ज़्यादा हिलाइए मत, जो पॉलीबैग है उसको कैंची से या किसी चीज़ से काट लें और जो रूट बाल है उसको बिना डैमेज के ही जो पॉट आपका उसमें डाल दीजिए और बाकी की मिट्टी भर दीजिए, इस तरह से क्या होगा जो उसका रूट बाल है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा और जो आपका प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसकी रूट बाल को डैमेज किया तो हो सकता है आपके प्लांट को सर्वाइव करना पड़े और उसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। हरमन सिंह जी का सवाल है, वीरक क्या अभी मिर्ची लगा सकते हैं? हाँ जी, मिर्ची वैसे हम किसी भी सीजन में लगा सकते हैं,
अगर आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। संजय आचार्य का सवाल है, अभी फ्रूट के प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर फरवरी में लगाएं? देखिए, आप अभी भी जो फ्रूट के प्लांट्स है वो लगा सकते हैं, अभी कुछ मंथ अभी बचे हुए हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक जो का जो महीना है वो ठीक है। जो ग्रोथ पीरियड है प्लांटों का वो रुक जाएगा फरवरी तक प्लांटों में कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ज्योति साहू का सवाल है, मैंने 2 साल पहले परिजात या हार सिंगार का पौधा लगाया था, पौधा बहुत बढ़ गया है पर फ्लोरिंग नहीं हुई, स्टार्टिंग में थोड़े फूल आए थे उसके बाद फूल नहीं खिले। देखिए, या तो आप उसके अंदर जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से यूज कीजिए प्लांट के अंदर, तो आपकी जो फ्लोरिंग है वो दोबारा से आएगी, क्योंकि जब आप लेके आए थे तब प्लांट में, जैसे कि मैंने बताया, न्यूट्रिशन स्टार्टिंग में उसमें सॉइल में होता है, लेकिन बाद में जब प्लांट उसको ले लेते हैं तो उसकी कमी आ जाती है और हम फर्टिलाइजर यूज नहीं करते तो प्लांट जो हमारा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो फर्टिलाइजर है वो यूज करना पड़ेगा। अगर आप फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करना चाहते तो उसके अंदर जो गोबर की खाद है वो ऐड कीजिए। सुदेश शर्मा जी का सवाल है, सर क्या केंचुए अच्छे होते हैं प्लांट के लिए? तो केंचुए होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाते हैं, तो हमारे इनको किसानों का दोस्त भी कहा गया है, तो ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छे हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। MB का सवाल है, सर गेंदे का प्लांट स्टेम के ऊपर से चूहे ने काट लिया है और छोटा सा होल बना दिया है, प्लांट के स्टेम धीरे धीरे काला हो रहा है, क्या कर सकते हैं? देखिए, जो होल बनाया है मिट्टी में अगर, तो उसको में पहले मिट्टी भर दीजिए और चूहे को भगाने का इंतजाम कीजिए, इसके लिए आप कोई ट्रैप आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की जो क्वेरी है वो हमने रिप्लाई कर दी है, कल नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।